सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के एक तो इकोनॉमिक्स की पीपीटी के ऊपर फाइल के ऊपर तीनों साल की बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दो जो है प्राइम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, उनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज और मैं इसी वीडियो में बेटा आप लोगों के साथ साझा करूंगा, वो ये है कि फाइल में यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे 9001163666 इस वाले नंबर पर अपना नाम और क्लास लिख करके मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई और कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं उन्हें दूर किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बेटा कि पहले तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बारे में बता दूं, फिर थर्ड ईयर का ही बचेगा। देखिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को हम लोगों ने टॉपिक दे रखे हैं और मैंने जो है दो सेगमेंट में आपको टॉपिक दिए हैं। देखिए 20 नंबर की तो जो है आपकी फाइल है और 20 नंबर में आपको या तो पीपीटी बनानी है या ऐसे राइटिंग करनी है। पीपीटी के और ऐसे के टॉपिक मैंने आपको दे रखे हैं। पीपीटी आप हैंड रिटन भी बना सकते हो और पीपीटी जो है आप लोग एक प्रकार से कंप्यूटर से भी बनवा सकते हो, कोई मेजर इश्यू नहीं है। टॉपिक जिन बच्चों के पास नहीं है उनको फिर मैं कह दूं कि आप लोग इस वाले नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लें 9001163666 पर, तो डेफिनेटली आई विल शेयर द टॉपिक ऑल्सो। मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर कर दूंगा, किसी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का ये है, मैंने 5 टॉपिक दिए हैं अलग और 5 अलग दिए हैं। तो 5 टॉपिक पर फाइल बनेगी और 5 टॉपिक में से किसी एक पर जो है पीपीटी बनेगी। ये तो रही बात फर्स्ट ईयर की। सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको मैंने 10 टॉपिक दिए हैं, 10 में से किसी 5 पर आप लोग फाइल बनाएंगे और एक पर ऐसे या पीपीटी तैयार करेंगे। ये आप लोगों के लिए सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए है। डेट्स में आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों की जो तिथियां हैं जो डेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट ईयर जो है हम लोग 3 जुलाई को लेंगे और सेकंड ईयर जो है 28 जून को लेंगे, प्राइवेट और रेगुलर दोनों का। तो रोल नंबर वाइज कोई इशू नहीं है, एक ही दिन में सारा प्रैक्टिकल हम लोग कंप्लीट करा देंगे। पेपर नहीं होगा आप लोगों के, सिर्फ और सिर्फ फाइल होंगी दोनों प्रकार की जमा, पीपीटी और ये मिला करके। ज्योग्राफी वाले बच्चों को थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर की जो है फाइल और पीपीटी दोनों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। देखिए सबसे पहले तो जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो अपना फाइल बना करके तैयार रखें। जो फाइल आपने बनाई है उसी फाइल में से क्वेश्चंस, उसी फाइल में जिस तरीके के क्वेश्चन होते हैं समांतर माध्यमिका बहुलक वाले और वैसे जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे और फिर वाइवा भी होगा, फील्ड सर्वे भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों का होगा। तो आप लोग खुद को अलर्ट रखें, फाइल जो आपने बनाई है उसको ढंग से पढ़ लें, ज्योग्राफी प्राइवेट और रेगुलर दोनों प्रकार के बच्चे। अब मैं आता हूँ सबसे जो मुश्किल सवाल करने वाले बच्चे हैं वो है बीए पार्ट थर्ड के, और इनको बच्चों को काफी दिक्कत तो मेरे सामने आ रही है फाइल बनाने में। तो एक तो बेटा फाइल जो है हम लोगों ने सुनीता मैम ने शायद 7 या 8 टॉपिक दिए थे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको फाइल बनानी है। अब आप जिस भी टॉपिक के ऊपर फाइल बना रहे हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसी टॉपिक पर बनेगी आपकी पीपीटी, उसी टॉपिक पर बनेगी आपकी पीपीटी। और सुनीता मैम ने वैसे आपको बहुत कुछ बता दिया है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ ये चीजें साझा करूं। देखिए पीपीटी में होगा क्या बेटा, एक तो जैसे फर्स्ट पेज है ना, वो तो पहला पेज होगा कवर पेज। कवर पेज पर आप अपना नाम, टाइटल का नाम और रोल नंबर लिखोगे। टाइटल मतलब जो भी आपकी फाइल का टॉपिक है वही आपके पीपीटी का भी टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पेज। दूसरे पेज पर आप क्या लिखोगे, जैसे आपने फाइल में जो चीजें लिखी है जैसे परिचय, इंट्रोडक्शन, तो पहला जो टॉपिक है वो अपना इंट्रोडक्शन का हो गया। दूसरा क्या है, जैसे माना कि किसी बच्चे ने, मैं अब ये एक पेज पर पूरा इंट्रोडक्शन आएगा, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन यदि पूरे पेज में लिखा है तो यहाँ 5-7 लाइन में लिख दे, मतलब उसकी समरी बना दे, तो पहला पेज कंप्लीट। फिर जैसे आपने उद्देश्य लिखे हैं किसी बच्चे ने आगे चल के, तो उद्देश्य माना कि आपने 4 उद्देश्य लिखे, तो अगले पेज पर सिर्फ उद्देश्य लिख दो आप लोग, खाली उद्देश्य, फिर उस पेज में भले ही लाइनें बच जाए उसको खाली छोड़ दो, ठीक है।
और इसके बाद फिर अगला पेज, तो उसमें माना कि आपने जो है मेथोडोलॉजी लिखी हुई है, प्रविधि लिखी हुई है, तो प्रविधि जो भी आपने प्रविधि सेलेक्ट की है उसका एक पेज अलग हो गया। फिर जैसे माना कि मेथोडोलॉजी के बाद आपके जो भी जो टॉपिक, जैसे साहित्य की समीक्षा है, माना कि साहित्य की समीक्षा है, तो साहित्य की समीक्षा का एक पेज हो गया, है ना। इसके बाद विश्लेषण, निर्वचन, तो ये जो सारी चीजें हैं उनको आप क्रम से जो आपने फाइल में बनाई है ना उसी क्रम में आप लोग बना ले, और उसके बाद अंत में जो है निष्कर्ष, महत्व, ये सारी चीजें और लिख दे। तो निश्चित तौर पर जिसमें इसमें जैसे एक साहित्य की समीक्षा हो गया, एक जो है परिकल्पना का एक पेज हो जाएगा, है ना, एक पेज महत्व का हो जाएगा, और फिर निष्कर्ष और निहितार्थ का हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेज तो ऐसे ही हो गए, लास्ट पेज पे थैंकिंग यू कर दो, ठीक है, तो ये थैंकिंग यू हो गया। तो इस प्रकार से कम 9-10 पेज आपके हर पीपीटी में बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यदि पीपीटी में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बेटा, मैंने नंबर आपके पास सारे बच्चों के पास है ही है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई जरूरी नहीं कि आपको बहुत जल्दी या इंस्टेंटली मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है रिप्लाई दे दिया जाए, और किसी भी बच्चे को प्रैक्टिकल की फाइल से रिलेटेड कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आपने फाइल जो है, चूंकि मैम ने प्राथमिक आंकड़ों पर पेज बनाई बनवाई है, तो आप लोग एक बार फाइल को चाहो तो इसी नंबर पर भेज करके, जिन बच्चों ने नहीं भेजी है वो चेक करा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिससे कि आपको क्योंकि हो सकता है कि आपने जो फाइल है वो प्राइमरी डाटाबेस नहीं बनाई हो। सर्वेक्षण का मतलब यही होता है कि वो प्राइमरी आंकड़ों के ऊपर होता है बेसिकली, तो जिन बच्चों ने जो है सर्वेक्षण किया है वो एक बार जरूर बता दें। खासतौर पर रेगुलर बच्चों के लिए प्राइमरी आंकड़े बहुत जरूरी हैं, जो प्राइवेट बच्चे हैं वो तो सेकेंडरी आंकड़ों के ऊपर भी अपना जो है सर्वे का कार्य कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। और फाइल को आप लोग अच्छे से पढ़ के आए, बायवा में आपसे फाइल के ऊपर ही सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्यों लिया है, आपने कैसे रिसर्च किया है, है ना, कितनी प्रश्नावली की आपने, प्रश्न कितने बनाए हैं, कितने परिवारों से आपने पूछा है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जेहन में होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप लोगों का वायवा होगा। मैं डेट्स एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 20 तारीख को जो है आप लोगों का प्राइवेट और रेगुलर दोनों का फाइनल ईयर का होगा, 28 तारीख को सेकंड ईयर का होगा प्राइवेट और रेगुलर दोनों का, और जो फर्स्ट ईयर है वो 3 जुलाई को होगा प्राइवेट और रेगुलर का। इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में किसी बच्चे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ से एक बार फिर सभी बच्चों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। ये बहुत आसान प्रक्रिया है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग, बस आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, बाकी जो है हमारे ऊपर छोड़ें। थैंक यू सो मच, आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू बच्चों।